गर्दिश में अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में। हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइज। सो इट्स 14th of July और अभी सुबह की बजे 7:30 और मैं निकल रहा हूँ कॉलेज जाने के लिए। मेरा कॉलेज अभी 9 बजे, सो ये अभी 8 बजे की ट्रेन है, 8 बजे की ट्रेन है मेरी। चलते फटाफट स्टेशन। और एक चीज़ और बतानी आपको, रुको। आज सुबह इट्स 14th of July और आज अपने सारे, इट्स अ प्राउड डे फॉर अर इंडियन, बिकॉज आप लोग को पता ही रहेगा। सो टुडे चंद्रयान 3 इज गोइंग टू बी लॉन्च ऑन द मून। भाई लोग की गैंग देखो। सो चंद्रयान 3 इज गोइंग टू लॉन्च ऑन द मून 14th of July। आज वही दिन है, दोपहर 2:30 बजे वो लॉन्च करने फ्रॉम श्रीहरिकोटा। सो लेट्स सी, देखने को प्राउड लगेगा। अभी तो कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज 1 बजे छूटेगा, तो लेट्स सी हम पहुँचते कि नहीं घर पे वो टाइम तक, बट देखेंगे ज़रूर। सो यस, चंद्रयान 2 भी किया था वो, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सो दैट्स वाई ये अभी हो रहा है चंद्रयान 3। होप फॉर द बेस्ट, ये अभी सक्सेसफुल होना चाहिए। सो बतानी थी ये जो अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च होने वाला है, सो उसका टोटल खर्चा आप लोग सुनोगे तो मीन्स, सो ये खर्चा मैंने कल ही न्यूज़ पे देखा था। सो इट इज़ अराउंड 600 करोड़। इमेजिन 600 करोड़, मतलब चंद्रयान 2 भी अराउंड उसके इधर रहेगा। बट सोचो इतना खर्चा करके, पूरा मेहनत लगा के, अगर वो फेल होता है तो ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा। साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं उधर इसरो में, जो इसरो के साइंटिस्ट है, सो उनके लिए भी हैट्स ऑफ। उनकी मेहनत भी बहुत होती है, बट और फिर ऐसा जैसा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, तो ऑब्वियसली जो ये है उनके हेड, क्या साइंटिस्ट उनका नाम, चेयरमैन ऑफ इसरो, जो चंद्रयान 2 के टाइम लिटरली ही वॉज क्राइंग, वो लिटरली रो रहे थे जब ये न्यूज़ आई थी, मतलब चंद्रयान 2 मतलब सक्सेसफुली नहीं पहुंचा था उधर मून पे। सो यस, बट अभी ये चंद्रयान 3 होप फॉर द बेस्ट, ये सक्सेसफुली हो पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो अपने इंडिया के फ्लैग और हार्ट्स। तो अभी चलते कॉलेज और देखते कैसा रहता है दिन, फिर मिलता हूँ कॉलेज के बाद। वैसे ये गाड़ी देखो, गाना बजा रहे। 3, 2, 1 बजा भाई। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मॉर्निंग अलार्म। गाइस ये देखो, बापा कमिंग सून। गाइस गणपति में ये पूरा जो एरिया रहता है ना, पूरा ये एरिया पैक रहता है, बिकॉज यहाँ पे गणपति, मतलब गणपति के दुकान है बहुत सारे, दुकान मतलब वो लोग ने डाला है, और ये पूरा पैक रहता है, बहुत मज़ा आता है, और गणपति के टाइम बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो वे फाइनली रीच स्टेशन। और कल क्या किस्सा हुआ मेरे साथ बताएगा आप लोगों को। कल हुआ ये कि मैं गया, मेरा पास खत्म हो गया ट्रेन का, तो मैं पास निकलने जा रहा था, और मैं गया पास निकलने। मैं हर टाइम मतलब आधार कार्ड उसको फ़ोन में दिखाता हूँ, सो फ़ोन में दिखाता हूँ, तो कल भी दिखाया, बोलती ये बंद हो गया। बोला कब से? कल से। बोलती कल से। बोला हाँ,
अभी बंद होना था ना, मैं जब भी आया निकालने तभी बंद होना था। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तुम्हारा भाई जाएगा अभी विदाउट टिकट, तुम्हारा भाई जाएगा विदाउट टिकट, किसी को बोलो मत। तो गाइस फाइनली करंट क्यों बैठ रहा है मेरे को। तो गाइस फाइनली रीच थाने और बारिश भी चालू हो गई। मेरे साथ एक हादसा हो गया, मेरा बैग ही टूट गया, इतना गर्दी था, पूरा पापड़ बना दिया था, वहाँ बैग ही टूट गया। तुम्हारा भाई जा रहा किधर से देखो, जब टिकट नहीं, ध्यान से सुनो, जब टिकट नहीं निकलते है। और ये देखो खतरों के खिलाड़ी, रियल खतरों के खिलाड़ी ये लोग है, देख रहे हो। तो जब टिकट नहीं निकलते हो तभी देख रहे हो लोग को, देख रहे हो लोग को। अरे अरे दीदी भड़क गई। सो गाइस One eternity later. So guys, done with my college. और मॉर्निंग में भी इधर से ही है तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं जस्ट बिकॉज उधर मॉर्निंग में ब्रिज पे टीसीज रहते हैं तो इसलिए मैं इधर से प्रेफर किया, बट ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, देख लो। सो ऐसे कभी भी आओ मत। सो अभी चलते घर पे, अभी बज रहे 1:15 की ट्रेन है मेरी और चंद्रयान 3 का मतलब टाइमिंग है 2:35 को, मतलब लॉन्च होने वाला है। सो देखते तब तक घर पे पहुँचते या नहीं। आई थिंक हाँ पहुँच, मतलब मैं पहुँच जाऊँगा तभी तक, लेट्स सी, वो भी देखना जरूरी है अपने को। सो लेट्स सी, चलते अभी घर पे और फिर मिलता हूँ। बैग जो टूटा है ना मेरा, मेरे को अभी तक भुगतना पड़ रहा है, वो एक साइड से ही कर ये कर सकता हूँ मैं, पूरा ये एक साइड भुग रहा है। Thousand years later. So guys, I'm back home. दोपहर में ही आ गया था मैं, but shoot नहीं कर पाया because मेरे फोन को चार्जिंग भी कम थी और मैं आके खाना खाया और सो गया और चंद्रयान 3 का लाइव देख रहा था मैं, so इसलिए I hope आप लोग ने भी चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग देखा रहेगा। So ये जो चंद्रयान मिशन ये मून है तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। सो इंडिया के पहले, मतलब इंडिया के पहले जो 3 कंट्री है जो लोग का सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है मून पे, सो उनमें से एक है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और एक है चाइना। सो ये 3 कंट्रीज है जिन लोग के ये मिशन सक्सेसफुल हुआ है। सो होप फॉर द बेस्ट, इंडिया का भी एक ना एक अभी ये हो जाना चाहिए। हमारा ये चंद्रयान 3 के पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। सो चंद्रयान 1 जब भी गया था तभी मून पे, वो टाइम पे मून पे ये मिला था, वाटर मॉलिक्यूल्स मिले थे, दिखे थे मतलब। और जो चंद्रयान 2 हुआ था जो कि जाके मतलब थोड़े से इसके लिए अनसक्सेसफुल रहा, और लेट्स सी इसरो के साइंटिस्ट के मेहनत कुछ काम आए, बहुत सालों से ये लोग मेहनत करते हैं। और जो मैं सुबह भी बताया ये पूरा एक मिशन के लिए कितना खर्चा एंड ऑल लगता है, सो मैं न्यूज़ में देखा था, आई डोंट नो द परफेक्ट, बट न्यूज़ में जो बताया था तो 600 करोड़
लगे ये चंद्रयान 3 बनाने के लिए. सो यू कैन इमेजिन. बट पैसा तो ठीक है, बट जो साइंटिस्ट लोग मेहनत करते इतने सालों से, सो उसके भी ये सक्सेस मिलना चाहिए उसको भी. सो होप फॉर द बेस्ट, सक्सेसफुल होना चाहिए. आप लोग भी कमेंट्स में इंडिया ओपी कर दो हार्ट्स और इंडिया का फ्लैग स्पैम कर दो. और ये जो आज 14th of July को लॉन्च हुआ है ये स्पेसक्राफ्ट, वो एस्टिमेटेड मतलब इसरो ने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि ये मून पे 24th of August को लैंड होएगा. सो ये उन लोग का एक्सपेक्टेड डेट है. बट उस दिन होता है या नहीं, वो लोग के मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से होना चाहिए, वो दिन ही होएगा, तो देखते. और जब ये चंद्रयान 2 का मिशन चल रहा था तभी चेयरपर्सन वॉज के सिवन, और अभी ये जो चंद्रयान 3 का जो ये हुआ है लॉन्च, तो अभी के चेयरपर्सन है एस सोमनाथ. चंद्रयान 2 के टाइम जब ये न्यूज आया था कि अनसक्सेसफुल रहा, जब ये कॉन्टैक्ट टूट गया था, तो चेयरपर्सन वॉज के सिवन, वो लिटरली अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के गले में जाके रो रहे थे. मतलब उनको इतना दुख हुआ था, ऑब्वियस सी बातें होएगा, इतना इतने सालों का मेहनत अगर थोड़े से लिए अगर डूब जाए तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा. तो कोई ना, ये साल का भी सक्सेसफुल होना चाहिए. इंडिया का फ्लैग स्पैम कर दो. सो ये ब्लॉग के लिए बस इतना ही. आई होप आप लोग को मजा आया होगा. ये प्राउड मोमेंट है अपने इंडिया के लिए. सो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा. पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना. आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट, बाय. जय हिंद, जय भारत. अपना है दिल ये आज का.